सर क्या लिया अब तक? और जिस दिन रिकॉर्डिंग होगी उसके 4-5 दिन बाद चलेंगे रिकॉर्डिंग का, याद रखना। अगले दिन नहीं करेंगे, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हें 4-5 दिन बाद कॉल करना है सर, या कुछ भी रिक्वेस्ट हो उसी दिन अटेंड करना है, तुम्हारे ऊपर है। क्योंकि बहुत लोग रिकॉर्डिंग कल भी मैसेज करेंगे सर रिकॉर्डिंग डाल दो रिकॉर्डिंग डाल दो, तो नहीं होगा ऐसा। वो 4-5 दिन बाद डाल जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि नहीं डाली, वो डेली डेली 4-5 दिन बाद। थोड़ा सा तो सीरियसनेस तो किसी में कुछ रही नहीं है तुम लोगों में, तो ईगो हो रहा है तो क्या करूं मैं उसमें। सच में सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एक मिनट इधर की खिड़की खोल दो, रिफ्लेक्शन नहीं आता उसका। बस 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 ठीक है। अब उसके बाद हवारी है क्या? हाँ उसके बाद है CA C9 उतना ही। पार्ट टू दिया था क्या? हाँ सर दिया था। नहीं ये तो सर दिया था क्या तुम लोगों ने उसको? हाँ सर किया है सर। और एक्सरसाइज वन पार्ट टू सेक्शन है सेक्शन बी, उसमें A1 A2 डाउट कौन सा? A1 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 में देखो यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ यहाँ पे ए कॉमा बी हमें गिवन है, ये ए है ये बी है और इसका मिड पॉइंट है A1, ठीक है। तो A1 AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:1 में डिवाइड करेगा A1, तो यहाँ पे ये रेशियो आ जाएगा 1:1। उसके बाद अब क्या बोला गया है, ये जो A2 है वो किसका मिड पॉइंट है? A2 किसका मिड पॉइंट है? B का। A1 एंड B का मिड पॉइंट है। यहाँ पे मान लो ये डिस्टेंस कितना है, x है और ये x है, तो यहाँ से रेशियो हमें कितना मिल जाएगा? सब फोकस हो रहा है बीच बीच में, क्या हो रहा है सर? वो बीच वाला लाइट बंद कर दो। यही सारी चीजें करनी पड़ती है यहाँ पे। क्या हो रहा, हो क्या रहा है एक्चुअल में? सर लाइट आ रहा है बहुत। कहाँ लाइट आ रहा है सर? आप जब जाते हो तब आता है ना, आप जब जाते हो ना तब। बस वाला मोबाइल है, सब में ऐसा होता है। किसी के पास है क्या दूसरा? ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, A1 इसका मिड पॉइंट है, तो वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:1 में डिवाइड करेगा। अब उसके बाद बोला गया है A1 एंड B का मिड पॉइंट कौन है? A2 है। तो यहाँ पे देख लो, ये A1 यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद ये B रहेगा और इसका मिड पॉइंट क्या रहेगा? A2। तो ये बताओ, ये यहाँ पे A1 की डिस्टेंस कितना था? पूरा A1 की डिस्टेंस कितना था यहाँ पे देखते हो? X था। अब ये A2 उसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये वाला कितना आ जाएगा यहाँ पे? X by 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें बताना है ये A2 A और B को किस रेशियो में डिवाइड करता है? यहाँ पे तो वो A1 एंड B को 1:1 में डिवाइड करेगा, लेकिन अगर हम A को भी लेके चलते हैं तो यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, यहाँ पे A, ये A2 और ये B हो जाएगा। तो A1 A2 डिस्टेंस कितना आएगा? 8/2 A1 x है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे x plus x/2 और ये डिस्टेंस तो अभी भी x/2 है। तो जो रेशियो आने वाला है वो क्या आने वाला है? 3:1 x/2। तो रेशियो जो आएगा वो 3:1 आएगा, और ये कौन सा रेशियो है?
A2 A और B को किस रेशियो में डिवाइड करेगा उसका है। अब उसके बाद आगे जाएंगे, हमें क्या बोला गया है A3 A2 एंड B का क्या है मिड पॉइंट है। तो अब यहाँ पर देख लो A2 एंड B का जो मिड पॉइंट है वो है A3। तो A2 की डिस्टेंस कितना है, A2 की डिस्टेंस x/4 इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा तो ये डिस्टेंस कितना आएगा यहाँ पे x/4। अब ये तो था कि A3 A2 एंड B को 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो A एंड B को किस रेशियो में करेगा, A एंड B को किस रेशियो में करेगा बताओ। अब ये देखो A1 डिस्टेंस x, फिर इसके बाद A1 A2 डिस्टेंस x/2 एंड A2 A3 डिस्टेंस x/4। तो ये जो आएगा यहां पे x + x/2 + x/4 कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा रहेगा x/4। तो जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे 7:1 7, ठीक है। तो रेशियो आ रहा है वो 7:1 आ रहा है। ऐसे ही जब आगे बढ़ेंगे A4 की हम बात करेंगे तो वो रेशियो आ जाता है 15:1। तो एक बार पैटर्न देखो यहाँ पे रेशियो का 1:1, फिर उसके बाद A2 है तो 3:1, फिर 7:1, 15:1, अगला क्या आएगा थोड़ा सा देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो 1:3:7:15:31:1, क्योंकि ये क्या हो रहा है 2 times + 1 का 2 times 2 + 1 क्या दे देगा 3 का 2 times 6 + 1 7, फिर उसके बाद 7 का 2 times 14 + 1 15, फिर उसके बाद क्या आएगा 15 का 2 times 30 + 1 31:1। तो उसके बाद हमें क्या बताना था कि 18 के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं। तो जैसे देखो A3 किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 7:1, A4 किस रेशियो में कर रहा है 15:1, A5 किस रेशियो में करेगा 31:1, आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे। और A10 कौन से रेशियो में डिवाइड करता है ये मिलेगा। अब हमें A पता है, B पता है, वहां से A10 के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है ये? यस सर, यस सर, ठीक है। पैटर्न ढूंढना होगा हमें यहाँ पे, उसके बाद फिर उसके बाद A2 A3 यस सर A3 हाँ A3 अभी रहने दो, उसको बाद में करेंगे A3, ठीक है। जब दो का सम पढ़ेंगे उसके बाद A3 करेंगे, अभी उसके बाद A4 A5 सेक्शन B B1 B2 B2 ठीक है। यहाँ पे देख लो, अब हम पोजीशन और पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन भी देख चुके हैं, अब उसी की हेल्प से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हमें क्या बोला गया है, नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स, इंटीग्रल पॉइंट्स में जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इंटीजर, एग्जैक्टली इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टेक्सेस। ये ट्रायंगल कैसा बनेगा इन तीनों वर्टेक्सेस से, ये 0 0, फिर उसके बाद 21 0, और यहाँ पे आ जाएगा 0 21, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बनेगा। अब हमें क्या बोला गया, पॉइंट लाई करना चाहिए इस ट्रायंगल के अंदर, पल्स के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए इंटीजर। तो ये देखो ट्रायंगल के अंदर लाई करना है तो इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के राइट हैंड साइड में, और इस लाइन के नीचे लाई करना चाहिए उसको, फाइनली 0 पर क्या ले लेंगे अंदर सेक्शन ए जो करता है। तो इस लाइन का इक्वेशन देखो यहाँ पे आ जाता है x + y = 21, क्योंकि x इंटरसेप्ट 21 y इंटरसेप्ट 21 तो x/21 + y/21 = 1, तो वहां से ये इक्वेशन आएगा। और इस लाइन का इक्वेशन क्या है यहाँ पे y = 0 x = 0। अब इसके अंदर y करवाना है तो y कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ये होना चाहिए इस लाइन के नीचे लाई करना चाहिए, तो लाइन के नीचे लाई करना चाहिए तो x + y - 21/1, मतलब ax1 + by1 + c / b, b क्या होता है y का कोएफिशिएंट, तो 1 है यहाँ पे। ये होना चाहिए less than 0 होना चाहिए तभी लाइन के नीचे आएगा। अब ये तीनों को सेटिस्फाई करते हुए पॉइंट चाहिए हमें, और इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे इंटीजर। तो ये देख लो यहाँ पे x + y < 21, और x एंड y यहाँ पे क्या है इंटीजर है, और y > 0 x > 0 ये भी है। तो हम छोटे वाले से शुरुआत करते हैं, y की जगह पे 1 ले लेते हैं,
तो जब y की जगह पे 1 लेंगे तो x कितना आएगा यहां पे नीचे 19 आएगा if y is equal to 1 तो x less than कितना आ जाएगा 20 x less than 20 आएगा तो x कितने पॉइंट्स आ रहा है 19 x is equal to 1 2 3 4 up to 19 x less than 20 है ना x less than 20 और x greater than 0 हमें चाहिए और इंटीजर चाहिए था तो कौन से कोऑर्डिनेट्स आएंगे x की वैल्यूज आएगी 1 2 3 अप टू 19 तो टोटल कितने पॉइंट्स आ गए 19 पॉइंट्स आ गए कौन से पॉइंट रहेंगे वो 1,1 2,1 y तो हमेशा 1 रहेगा फिर उसके बाद 3,1 4,1 ऐसे ही 19,1 तो ऐसे 19 पॉइंट्स आ गए उसके बाद जब y 2 होगा उस केस में x less than 19 आएगा तो कितने पॉइंट्स आने वाले हैं 18 पॉइंट्स आने वाले हैं x की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू 18 तो यहां पे सीधा मैं 18 लिख लेता हूं ठीक है वो क्या है ऐसे 18 पॉइंट्स हमें मिलने वाले हैं फिर उसके बाद जब y की वैल्यू 3 तो x less than 18 तो यहां से कितने पॉइंट्स मिलेंगे 17 पॉइंट्स हमें मिलेंगे तो ऐसे ही जब हम जाएंगे y 19 तो उस केस में x less than 2 आएगा तो उस केस में 80 पॉइंट मिलेगा x is equal to 1 तो 1,19 वाला पॉइंट तो अब ऐसे टोटल कितने पॉइंट्स हमें मिल रहा है 1 plus 2 plus 3 up to 19 तो टोटल पॉइंट्स आ जाएंगे यहां पे 1 plus 2 plus 3 up to 19 तो ये हो जाएगा यहां पे 19 into 20 upon 4 that is 199 सर हां y is equal to 20 नहीं कर सकते मतलब x 0 नहीं हो सकता है नहीं हो सकता है क्योंकि अंदर लाई करवाना x 0 मतलब वो y एक्सिस के ऊपर होगा तो वो एक ट्रायंगल की साइड ही है ठीक है और सर आपने लास्ट में क्या किया फिर मैंने बस पैटर्न ढूंढ लिया यहां पे जब y की वैल्यू 1 है तो हमें ऐसे 19 पॉइंट्स मिलेंगे जब y की वैल्यू 2 है तो ऐसे 18 पॉइंट्स तो जितने ये पॉइंट्स आ रहे हैं उन सबका सम ठीक है सर फिर उसके बाद b3 b4 b5 जो रोटेशन वाला बाकी अभी इसके बाद फिर उसके बाद b6 b7 b8 ये लोकस वाला है ये भी बाद में होगा ठीक है ये याद दिलाना डिस्कशन के वक्त ये बाकी रहेगा ये लोकस का इसके वजह से बात में आएंगे फिर उसके बाद b9 b10 b11 पॉइंट a 1,3 c 5,1 आर द अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अदर टू वर्टाइसेस अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू other two vertices तो ये देख लो यहाँ पे ठीक है तो ये rectangle है इसमें ये opposite vertices हमें given है ये 1,3 opposite मतलब ये अगर लेंगे तो adjacent हो जाएगा ये भी कैसा हो जाएगा एडजेसेंट हो जाएगा तो अपोजिट भी सी वाला होगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं यहां पे 5,1 ठीक है देन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अदर टू वर्टाइसेस एंड ऑफ ग्रेडिएंट 2 तो इन दोनों से पास होने वाली लाइन चाहिए हमें सर ये क्या ले रहे थे सर उसका डायगोनल ये ठीक है और रेक्टेंगल का डायगोनल सर क्या करते हैं हां क्या हो गया सर अभी आप क्या ले रहे हो सर मॉड्यूल से अरे तुम बेवकूफी की तरह मैं डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पे बीच में मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम आ रही है इस वजह से सरसर कर रहे हो अगर कोई दिक्कत आती तो ही सर करना ठीक है बीच में उसके बाद जब बता दूंगा क्या चल रहा है अभी डिस्कशन चल रहा है सॉरी सर लिंक टूट जाते क्या बता रहा था अभी डायगोनल दिखता है ना वो और रेक्टेंगल के डायगोनल से एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं तो इन दोनों का मिड पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाई करेगा
और मिड पॉइंट देखो कितना आएगा यहाँ पे 5 + 1 तो 3.2 ये मिड पॉइंट आ जाएगा। और इस लाइन का हमें ग्रेडिएंट ग्रेडिएंट मतलब स्लोप होता है, ठीक है, ग्रेडिएंट स्लोप याद रख लेना। ये गिवन है हमें 2 तो स्लोप हमें पता है, पॉइंट हमें पता है, तो वहां से इसका इक्वेशन y - 2 2 * x - 3 स्लोप x - 3 * 2 ठीक है। सर वो 2 स्लोप है क्या इसका? हाँ ग्रेडियंट मतलब स्लोप होता है, ठीक है। उसके बाद x plus 2y is equal to 2 and x plus 2y is equal to 6 are given. Then find the equation of line parallel to the given lines and divided distance between lines in the ratio 2:1 internally. तो यहाँ पे इसको करने के वैसे बहुत सारे तरीके हैं। ये दोनों lines कैसी हैं आपस में? Parallel है, ठीक है? उनको divide करने वाली internally divide करने वाली lines कैसे बनेगी? इसके parallel ही रहेगी। तो ये देखो ये दोनों lines parallel थी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के परपेंडिकुलर करने का तरीका बता दो दूसरा में। इनके लिए बीच में आने वाली पैरेलल लाइन जो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, 2:1 में डिवाइड कर रही है, ठीक है। एक तो क्या तरीका था, इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे इज इक्वल टू सी, तो ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस निकालेंगे और फिर वो रेशियो के फॉर्म में पुट कर देंगे वहां पे। तो लाइन पैरेलल थी ना तो स्लोप तो सेम रहने वाला है, बस कांस्टेंट अलग रहेगा। और हमें बोला गया है कौन से लाइन को कर रहा है डिवाइड, 2:1 में इस तरीके से, तो ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो ये d1 डिस्टेंस आएगा, ये d2 आएगा, तो यहाँ पे d2 अपॉन d1 कितना हो जाएगा 2। तो इसका यूज करके हम c निकाल लेंगे। एक तो हो गया ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है, अब हम इन तीनों के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, सिंपल सी लाइन दे देते हैं जो ओरिजिन से पास कर रही है और इन तीनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ओरिजिन से पास कर रही है और इन तीनों के परपेंडिकुलर है, तो ऐसे पॉइंट पे इसको कट करेंगे, ठीक है। तो इस लाइन का पहले इक्वेशन लिख लेते, इसका स्लोप कितना है, इसका और ये जो पॉइंट होगा ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में, उस तरीके से, ठीक है, ये भी कर सकते हो तुम, यहाँ पे डिस्टेंस से भी जा सकते हो। यस सर। के बाद सेक्शन सी, C1, C2, C3, C4, C5, C6 ये पार्ट 2 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिस्कस, ठीक है। पार्ट 2 भी बोला था ना सर? नहीं पार्ट 2 नहीं बोला, पार्ट 1 था। उस पे कुछ लिखा नहीं आप? उसी दिन होमवर्क डिस्कस होगा, चाहे किसी का रहे चाहे ना रहे, ठीक है। तो कल के लेक्चर में अपना क्या चल रहा था, इन सेंटर हो गया था, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं एक्स सेंटर। और इन सेंटर हमेशा कहां लाया करता है, इनसाइड द ट्रायंगल लाया करता है, ये हो गया था। किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। फिर उसके बाद जैसे एडी एंगल बाइसेक्टर है तो जो डी होता है बी एंड सी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। और वो जो आई होगा इन सेंटर एडी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा,
बी प्लस सी टू ए में डिवाइड करेगा तो उस तरीके से उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे वहां से ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी एंड ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी ये उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब उसके बाद आगे है एक्स सेंटर, एक्स सेंटर x सेंटर तो लिख लो इसमें पहले हम x सेंटर अपोजिट टू a देखते हैं ऐसे अपोजिट टू b होगा अपोजिट टू c होगा तो तीन x सेंटर्स होते हैं ध्यान रखना। तो हम सिर्फ अपोजिट टू a वाले की बात करेंगे और उसी से जनरलाइज करके अपोजिट टू b एंड अपोजिट टू c लिख लेंगे ठीक। तो x सेंटर अपोजिट टू a जैसे ट्रायंगल abc है अपोजिट टू a वाले का x सेंटर हम देखेंगे तो लिखो इसमें अपोजिट टू ए कर लेना वहां पे ब्रैकेट में ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए and external angle bisector of B and C, internal angle bisector of A and external angle bisector of B and C is called as X center opposite to A। वैसे अगर अपोजिट टू बी होगा तो क्या हो जाएगा डेफिनेशन में इंटरनल बी का इंटरनल ए एंड सी का एक्स सेंटर क्या ऐसे ही अपोजिट टू सी होगा तो सी का इंटरनल बी एंड ए का एक्सटर्नल ठीक है ये ध्यान रखना। पुलिस डेफिनेशन में क्या लास्ट लाइन क्या बोली डेफिनेशन में अगर ए के अपोजिट है तो A का इंटरनल B एंड C का एक्सटर्नल ठीक है। अगर ऐसे ही B के अपोजिट वाला भी एक सेंटर होता है तो उस केस में क्या हो जाएगा B का इंटरनल A एंड C का एक्सटर्नल एंड फिर ऐसे आवाज अटक रही है बीच बीच में आवाज अटक रही है C का इंटरनल A एंड B का एक्सटर्नल और क्या हो गया सर आवाज ब्रेक हो रही है आई नहीं रही है सर आपकी आवाज आ रही है सर क्लियर आ रही है ना नहीं आ रही सर अब आ रही है क्या अभी क्या बोले कुछ भी नहीं समझ में हाँ मैंने पहले बता दिया क्लियर है सर अपोजिट वाला होता है तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी के अपोजिट वाला सर आ रही ठीक है तो इसमें देख लो यहाँ पे ये जैसे ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया ठीक है। अब ये जो होता है बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा हमें बी का कैसा एंगल बाइसेक्टर चाहिए एक्सटर्नल तो ये वाला एंगल इसका एक्सटर्नल होता है तो इसका एंगल बाइसेक्टर तो ये आएगा एंड फिर ऐसे ही सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ये आएगा तो ये तीनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो हो जाएगा एक सेंटर अपोजिट टू ए और उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई वन से ऐसे ही जो B के अपोजिट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं I2 से C के अपोजिट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं I3 से तो ये जो I1 A के अपोजिट वाला एक सेंटर है A का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर B एंड C का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख लो इसमें डायग्राम बनाओ यहाँ पे ये I क्या है A के अपोजिट वाला एक सेंटर है ठीक है सर मतलब ट्रायंगल में तीन एक सेंटर होते हैं क्या क्या तीन होते हैं क्या सर एक सेंटर हाँ तीन एक्स सेंटर होते हैं एक अपोजिट बी के अपोजिट एंड सी के अपोजिट इन सेंटर एक होता है
हो गया, उसकी दूसरी डेफिनेशन सर्कल के फॉर्म में जो आने वाली, जैसे इन सेंटर की भी दो देखी ना हमने, एक तो क्या है इंटरनल एंगल बाईसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सेंटर ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल, ठीक है, तो लिख लो इसमें। और जो इंस्क्राइब सर्कल होता है वो क्या करता है, ट्रायंगल के अंदर होता है, तीनों साइड को क्या करता है टच, लेकिन इसमें ये सर्कल कैसा होता है, एक्सटर्नल सर्कल होता है, एक्स सर्कल कहते हैं उसको, मतलब वो तीनों साइड को तो टच करेगा लेकिन एक्सटर्नल ही टच करेगा, ये पता चल जाएगा। और करके सेंटर ऑफ एक्स सर्कल, सेंटर ऑफ एक्स सर्कल अपोजिट टू ए, क्योंकि हम अपोजिट टू ए वाले की ही बात कर रहे हैं, ऐसे अगर बी का एक सेंटर चाहिए तो वो सर्कल कौन से होगा, बी के अपोजिट वाला एक सर्कल होगा, ऐसे अगर सी के अपोजिट वाले की बात करेंगे तो सी के अपोजिट वाला एक सर्कल होगा, ठीक है, अभी तो ए के अपोजिट वाला एक सर्कल तो उसके लिए अलग आएगा, ये सर्कल है, ये एक साइड हो गई ट्रायंगल की, ये एक साइड हो गई, इसको नीचे एक्सटेंड कर रहे हैं हम, और ये एक हो गई यहाँ पे, तो ये ट्रायंगल एबीसी, तो ऐसा सर्कल होता है, ये एबी को जब हम नीचे एक्सटेंड करेंगे तब जाके वो सर्कल उसको टच कर रहा होगा, एसी को नीचे एक्सटेंड करेंगे तब जाके वो सर्कल उसको टच कर रहा होगा, बीसी को इस तरीके से टच कर रहा होगा, ठीक है, तो ये कहलाता है एक सर्कल अपोजिट टू ए, ऐसे एक सर्कल अपोजिट टू बी भी होता है, वो क्या करेगा जब हम बीसी को ऐसे एक्सटेंड करेंगे और एबी को इधर, तो इस तरीके का एक सर्कल आएगा, एंड एक सर्कल अपोजिट टू सी होता है, तो अगर आप सीए को ऐसे और बीसी को ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो ये वाला ही आएगा, ठीक है, तो इसका जो सेंटर है वो हो जाएगा आई वन, बी के अपोजिट जो, बी के अपोजिट जो आएगा उसका सेंटर हो जाएगा आई टू, एंड सी के अपोजिट जो आएगा उसका सेंटर आई टू, तो तीन एक सर्कल होते हैं ये ध्यान रखना, और इन सर्कल्स कितने होते हैं, एक होता है, और इसकी रेडियस होती है यहाँ पे आर वन, और आर वन का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस, डेल्टा बाय एस माइनस, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, और जो रेशियो है वो तो सेम रहेंगे यहाँ पे, जैसे इन सेंटर में जो डी पॉइंट था बीसी को किस रेशियो में डिवाइड करता था, रेशियो बी में डिवाइड करता था, सेम यहाँ पे भी वही होगा, जो डी होगा, जो डी पॉइंट होगा वो इसको डिवाइड करेगा बीसी को सी टू बी में, एंड फिर यहाँ पे आई की जगह पे आई वन है, तो I1 जो है वो AD को डिवाइड करता है B plus C is to A में, एक्सटर्नली डिवाइड करता है, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, I कैसे डिवाइड करता है, इंटरनली, और I1 डिवाइड करेगा एक्सटर्नली, तो I और I1 एक दूसरे के क्या है, और यहाँ से जब हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे I1 के, ठीक है, I1 पे जो कोऑर्डिनेट्स माइनस a इनटू x1, b इनटू x2, प्लस c इनटू x3 अपॉन माइनस a प्लस b प्लस c, माइनस a इनटू y1, प्लस b इनटू y2, प्लस c इनटू y3, तो ये a के अपोजिट था उसकी वजह से साइड a माइनस के फॉर्म में आता, और ऐसे अगर b के अपोजिट होता तो कौन माइनस में आता, ये तो a के अपोजिट है तो माइनस है, b के अपोजिट रहता तो माइनस b, माइनस b के रहता तो माइनस c, और बाकी दोनों, तो इस तरीके से i2 एंड i3 के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं, तो लिख लो वैसे लिखना चाहो तो i2 के इसके बाद, अब ये तो कैसे आएंगे, सेक्शन फार्मूले का यूज करके आएंगे, a के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहां पे x1, y1, b के x2, y2, c के x3, y3, वहां पे पहले वाले ट्रायंगल में वो कर लेना चाहिए, ये इसमें पहला जो ट्रायंगल था, a के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 ले लो, b के x2 y2 एंड c के x3 y3 ले लो, ठीक है,
जो d होता है pc को डिवाइड करता है सीरीज टू b में, फिर उसके बाद जो i1 होता है ad को डिवाइड करता है एक्सटर्नली b + सीरीज टू a में, तो यहां से i1 के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। ऐसे ही अगर i2 की हम बात करेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ax1 - bx2 + cx2, फिर उसके बाद ay1 फिर ऐसे ही आई थ्री उसमें सी माइनस कर लेना तो ऐसे कितने सर्कल्स पॉसिबल है जो ट्रायंगल के तीनों साइड्स को टच करते हैं, ऐसे कितने सर्कल्स है जो ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करते हैं, चार सर पांच पांच से आ गए चार ना साइड को टच कर जो सर्कल चार ही सर्कल है ठीक है। एक तो क्या हो जाएगा इन सर्कल एक आएगा वो भी तीनों साइड को टच कर रहा है और बाकी ये एक सर्कल भी तो टच ही कर रहा है साइड को, तो ऐसे तीन एक सर्कल्स और एक इन सर्कल, तो ऐसे चार सर्कल्स पॉसिबल है जो ट्रायंगल के तीनों साइड को क्या करते हैं टच करते हैं। और एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे ये ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जिनका ट्रायंगल के तीनों साइड से डिस्टेंस सेम आता है, यहाँ पे देख लो ये I1 का डिस्टेंस, ये सर्कल है तो ये रेडियस, यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगी रेडियस और ये भी रेडियस हो जाएगी, तो तीनों साइड से डिस्टेंस सेम आ रहा है इस सर्कल की रेडियस। ऐसे फिर I2 की बात करेंगे तो उसमें भी क्या हो जाएगा तीनों साइड से डिस्टेंस से, इस सर्कल में भी देख लेना तीनों साइड से डिस्टेंस कितना आ रहा था आ रहा था, तो ऐसे चार पॉइंट्स है जिनका ट्रायंगल के तीनों साइड से डिस्टेंस क्या होता है सेम होता है। देख सकते हो इन सर्कल में जो सर्कल देखा था हमने आई का डिस्टेंस तीनों से कितना आ रहा है, तो तीनों साइड से डिस्टेंस सेम है। ऐसे ही इन सर्कल में भी तीनों साइड से डिस्टेंस क्या होता है, एक सर्कल में सुनो तीनों साइड से डिस्टेंस आई वन का क्या आ रहा है सेम आ रहा है, ऐसे ही आई टू का भी है आई थ्री का भी, तो ऐसे चार पॉइंट से जिनका ट्रायंगल के तीनों साइड से डिस्टेंस सेम आएगा एंड चार सर्कल से जो ट्रायंगल के तीनों साइड्स को क्या करेंगे सर। हाँ सर, आई मतलब एंगल बाइसेक्टर वाला और आई वन मतलब वो सेंटर ऑफ एक सर्कल, ऐसा है क्या? आई मतलब इन सर्कल, आई वन मतलब एक सर्कल अपोजिट टू ए, ठीक है, आई टू मतलब एक सर्कल अपोजिट टू बी एंड आई थ्री मतलब एक सर्कल अपोजिट टू सी। तो ऐसे I3 के कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेना तो उसमें C माइनस में आएगा, एंड बाकी जो अभी मैंने ये दो पॉइंट बोले हैं वो भी लिख लेना, देयर आर फोर पॉइंट्स, कौन से फोर पॉइंट्स I, I1, I2 एंड I3, जिनका तीनों साइड से डिस्टेंस कैसा आएगा सेम आएगा, एंड चार सर्कल्स, कौन से एक इन सर्कल और तीन एक सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों साइड को क्या करेंगे टच करेंगे। सर तो एंगल बाइसेक्टर वाला वो क्या था सर, वो आई था ना वो भी, ये सारे एंगल बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, आई था इंटरनल वाले का, इसकी डेफिनेशन अभी तुम्हारे सामने लिखी हुई है एक बार देख लो, इसी वजह से बोला था नोट्स लिखा करो, कल नहीं लिखे ना तूने बेवकूफ। सर एक सेंटर का फर्स्ट पॉइंट तो जो आपने लिखवाया ना सर, वो उसका क्या था सर, वो भी आई था, तुम्हें एक बार नोट्स देखो, नोट्स पढ़ते नहीं हो डेली बेसिस पे, फिर जब लिंक चीजें आती तो दिमाग खराब हो जाता है तुम्हारे चेहरे देख के, मेरा खराब हो जाता है फिर। और डाउट्स तुम्हारे सुन के तो और ज्यादा खराब हो जाता है, क्या चल रहा है अभी तक कितना हुआ, आओ ना फिर टाइम पे। रिकॉर्डिंग डाल दो, ये करो वो करो, अरे डिसिप्लिन पंक्चुअलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है तुम लोगों में, एक दिन क्लास करते अगले दिन गायब रहते, सर ने डाल रीजन क्या देते हैं, फालतू सा रीजन आ जाएगा किसी का,
तो डालूंगा ये 4 दिन बाद ही लेक्चर डलेगा। देख लो तुम्हें जेके मैसेज का अटेंड करना है या बहाने बनाने हैं। बीमार भी होंगे तो घर पे बैठ के क्लास को अटेंड कर ही सकते हो, कर सकते हो ना। थोड़ा सा कुछ खांसी मतलब आ गया तो उठ ही नहीं पाते बेड से, कर लिया गो। बीमार भी होते तो क्लास को अटेंड की जा सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं की जा सकती है। तो अगला एक सेंटर हो गया। एक सेंटर हमेशा कहाँ लाइक करता है? आउटसाइड लाइक करता है। आउटसाइड दस। एक सेंटर ऑलवेज लाइक आउटसाइड का ट्राइंगल। एक सेंटर ऑलवेज लाइक आउटसाइड द ट्राइंगल हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं ऑर्थो सेंटर के ऊपर। या तो ऑर्थो सेंटर के पहले सर्कम सेंटर देख लो। सर्कम सेंटर थोड़ा आसान है, उसके बाद ऑर्थो सेंटर। सर्कम सेंटर ये तो एसओटी में भी है ना? एसओटी में अभी तक जितनी चीजें हुई सारी एसओटी में है। तुम्हें अभी सर्कम सेंटर से याद आया एसओटी में है। कल से एसओटी के साथ रिलेट कर रहा हूँ। मेडियन का रिलेट पूछ रहा हूँ, रिलेट पूछ रहा हूँ। मुझे लगा तुमने कर दिया होगा उसको। देखा है क्या तुमने एसओटी? हाँ सर। हाँ ठीक है। सर्कम सेंटर तो लिखो, पहले लिखो दो डेफिनेशन इसकी भी। इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ perpendicular bisectors is point of intersection of perpendicular bisectors of sides of triangle. Perpendicular bisectors of sides of triangle. ठीक है। And दूसरी definition. It is center of circumcircle, ब्रैकेट में लिख रहा circumcircle के आगे circle which passes through all three vertices of triangle. Circle which passes through all three vertices of triangle उसको कहेंगे उसका circumcircle। और उसका जो सेंटर होगा वो क्या रहा है? circumcenter। ठीक है। तो दो पहले वाली डायग्राम में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, तो यहाँ पे ये एबीसी है, तो बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए से पास हो ये जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है ऐसा हमेशा। ठीक है। वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बस क्या होगा, बीसी के परपेंडिकुलर हो गया, इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा, तो बस इतना ही हम बनाएंगे। आगे वो ए से पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है। ठीक है। फिर उसके बाद ये एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड ये एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है सर्कम सेंटर, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। उसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है यहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसकी वजह से बीसी के परपेंडिकुलर है एंड बाइसेक्ट भी कर रहा है। ये दोनों सेम तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ओ। सर स्केलिन ट्रायंगल का भी सर्कमसेंटर होता है क्या? किसका मतलब तीनों बाइसेक्टर स्केलिन ट्रायंगल क्या स्केलिन ट्रायंगल का? जिसके तीनों साइड्स अलग अलग हो, सब सारे ट्रायंगल के होता है। ठीक है। स्केलर हो, आइसोसेलेस हो, राइट एंगल हो,
हो गया। अब अगले डायग्राम इसमें सर्कल का सेंटर हमें दिखाना है, तो वो सर्कल कैसा होगा, ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास कर रहा होगा, तो ये सर्कल सर्कल इसका जो सेंटर आता है वो ओ रहेगा। तो यहाँ से बताओ ओ का तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस क्या आएगा, सेम आएगा ना, सेम आएगा, ये पूछ रहा हूँ सेम आएगा, क्योंकि वो सर्कल सर्कल की क्या हो जाएगी, रेडियस। मेरो डेफिनेशन इसकी, हो गया तो सर्कम सर्कल क्या है वो देखना है, पोजीशन आने वाली लास्ट पॉइंट, जैसे हमारे में लास्ट पॉइंट पोजीशन का चल रहा है, सेंट्रोइड अंदर लाई करता है, इन सेंटर अंदर लाई करता है, एक सर्कल एक सेंटर बाहर लाई करता है, वैसे इसमें तीन पोजीशंस होती है, अंदर भी कर सकता है, बाहर भी कर सकता है, बाहर भी कर सकता है, वो देखेंगे। पहले तो एक मिलेगा क्या होता है सर्कम सेंटर, उसको हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पार्ट ऑफ इंटरसेक्शन, या तो सर्कम सर्कल का सेंटर। सर्कम सर्कल क्या होता है, जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करता है। अब यहां पे जो सर्कम सेंटर है उसका तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस कैसा है, सेम है। तो हमें क्वेश्चन में ये क्या ओ के अगर कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, एक फार्मूला भी है उसका, लेकिन वो याद रखने की जरूरत नहीं है, वो था x1 sin 2a + x2 sin 2b, कोई ज्यादा बताता नहीं उसको, इसको करने का तरीका दूसरा है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने का। ओके यहां पे ये x3 y3, तो ओ के कोऑर्डिनेट मान लेंगे x y, ठीक है। अब यहां पे OA डिस्टेंस, OB डिस्टेंस एंड OC तीनों सेम रहेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनमें से दो दो के पेयर कंसीडर करेंगे, OA is equal to OB लेंगे, तो यहां से x और y में एक रिलेशन आएगा। ये देखो OA डिस्टेंस निकालने के कोऑर्डिनेट पता है, तो OA डिस्टेंस आ जाएगा, और वो किसके टर्म्स में आएगा, x और y के टर्म्स में, OB डिस्टेंस x और y के टर्म्स में, तो उन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो ये एक रिलेशन आएगा x और y में। फिर उसके बाद हम दूसरी एक पेयर ले लेंगे, OA एंड OC की पेयर लेंगे, तो यहां से ये भी रिलेशन x और y के टर्म्स में, ये भी x और y में, ये भी x और y में, फाइनली दोनों को क्या करेंगे साइमल्टेनियसली सॉल्व, तो वहां से हमें मिलेगा x और y को सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। लिखो इसको यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे पेयर वाइज कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट ये सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर द रिलेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y, बाय सॉल्विंग देम वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो इस तरीके से हमें मिलेंगे सर्कल सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। ये प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी कि वो सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन है, हां वो इसका सेंटर है, तो जब तुम सेंटर से परपेंडिकुलर डालोगे तो वो उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट, तो यही चीज मिल रही है हमें। फिर ऐसे ही वो से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालोगे तो वो उसका बाइसेक्ट कर रहा, तो ये हो गया उससे आता है, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने, इससे हमें ABC के कोऑर्डिनेट गिवन रहेंगे, तो हम OA is equal to OB करके एक रिलेशन निकालेंगे x और y में, OA is equal to OC करके दूसरा रिलेशन, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y, तरीके का सर्कमसेंटर के क्या आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो ये हो गया सर्कमसेंटर। और इसकी पोजीशन की अगर हम बात करते हैं, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में वो हमेशा अंदर लाइन करता है, ठीक है। बताता हूँ कैसे, पहला लिखो इसमें पोजीशन, देख रहे हो पोजीशन में पहला पॉइंट इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल इट ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल इट ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है। क्योंकि देखो ये एक तरीके से एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स एक्यूट दिख रहे हैं इसके, तो ये देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर गया, तीनों अंदर ही इंटरसेक्ट होते हुए दिख रहे हैं,
लेकिन जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात आएगी उसमें लिख लो इन राइट एंगल ट्रायंगल इट इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस इट इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस इट इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ठीक है तुम इसको इस वाले डेफिनेशन से भी देख सकते हो जैसे राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले लिया इसका सर्कम सर्कल लिया रहेगा और ये बताओ डायमीटर अपने किसी भी सेगमेंट में कितना एंगल सब्टेंड करती है अबे गधे मार आएगा तू डायमीटर कितना अरे सर्कल की डायमीटर कितना एंगल सब्टेंड करेगी किसी भी पार्ट में सर्कल के 90 क्या 180 बोल रहा है 20 डिग्री 90 डिग्री का ये सर्कल है यहाँ पे राइट एंगल तो इसका जो हाइपोटेनियस आता है ये इस सर्कल की क्या रहेगी डायमीटर रहेगी क्योंकि डायमीटर अपने किसी भी सेगमेंट में 90 डिग्री सेपरेट करते तो ये वाला 90 डिग्री सेपरेट कर रहा है ना यहां पे तो ये डायमीटर है डायमीटर और इस सर्कल का हमें सेंटर चाहिए डायमीटर का मिड पॉइंट तो सेंटर होता है और ट्रायंगल के केस के लिए क्या हो जाएगा ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनियस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस है ना तो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट ही क्या है सर्कमसेंटर है इस केस में राइट एंगल ट्रायंगल ये जैसे ये एबीसी है यहां पे एसी ही सर्कल की डायमीटर तो एसी का मिड पॉइंट इस सर्कल का सेंटर और इस सर्कल का सेंटर क्या कहलाता है इस ट्रायंगल का सर्कमसेंटर तो हो जाएगा ठीक है देखो इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल It is midpoint of hypotenuse, ठीक है? And फिर उसके बाद acute के केस में, acute के केस में क्या हो जाएगा? Outside line. बाहर. वो देख लो तुम इसको इस diagram से भी देख सकते हो, circle वाले से भी या perpendicular bisectors को intersect करवा के भी देख सकते हो. वो outside line करता हुआ दिखेगा. तो लिख लेना in acute angle triangle, in acute angle triangle. सर सर आपने बोला कि डायमीटर 90 डिग्री सबटेन करता है तो फिर रेडियस कितना 45 करेगा क्या करेगा रेडियस ऐसा 45 करता है या फिर उसमें अलग होता है कुछ अलग रहेगा उसमें ठीक है हो गए आप साइड पर कर या क्या हो गया इतनी जल्दी हो गया लिखने के लिए नहीं बोला मैंने याद करने के लिए बोला है ए फॉर एप्पल भी तुम्हें 10 बार बोलना पड़ता है तब याद होता है तुम ये चीजें याद कर लोगे अभी 1 सेकंड के अंदर होता है ना ऐसे ही एक और एप्पल तो याद हुआ नहीं पता नहीं ऐसे ही हो तुम लोग याद नहीं होता तुम्हें जल्दी एक और एप्पल याद करते हो एक और कुछ और बताते हो सर हाँ आप एसडी के फार्मूला पूछने वाले हैं क्या ही पूछे वो पूछने ही नहीं वाला वो कुछ आइंदा से
सर मैंने इतना लर्न किया सर आप पूछे नहीं हो इतना लर्न किया बेवकूफ तुम्हारे आया नहीं तू और इतना लर्न किया उसके चक्कर में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा टाइम पे ओ उसके बाद छोड़ दे इसका यूज तो हर जगह कैलकुलस में नहीं पूरे कोऑर्डिनेट में इसका यूज है इसकी वजह से तो धीरे धीरे पढ़ा रहा तुम उसका गलत फायदा उठा रहे क्लासेस बंक कर रहे हो ये कर रहे हो स्टार्टिंग में बताया था एक भी क्लास उसमें मिस मत करना लिंक होती है सारी चीजें सुनते थोड़ी हो हम बीमार है हम घूमने गए हम कॉलेज गए कॉलेज में जैसे तुम्हें अरविंद बुला रहे हैं तो कॉलेज वालों को तुम ना नहीं कह पा रहे हो ऐसा हो रहा है ना क्या तुम्हारा कॉलेज ही नहीं गया था बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इमरजेंसी है तब जाके क्लास मिस करनी चाहिए आपका तो छोटी छोटी चीजों के लिए क्लास मिस ये है तुमने भी बहुत कोई भी ऐसा नहीं है जिसने पूरी क्लासेस अटेंड किए कभी कोई भी नहीं मिलेगा क्या देख रहे थे तो मिसल खाने चले जाते हो सर आज कितने बच्चे हैं? ये देखो तुम्हें क्या करना होता है वो सारी चीजें से कितने बच्चे क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा कितना हो गया सब चीजें आके देखा करो यहाँ पे और पूछना मत मेरे से आइंदा से कभी ये एक तो ये आधे से ज्यादा डिस्कनेक्ट होते कनेक्ट होते फिर बार बार उसी में दिमाग खराब हो जाता बार बार उनको एडिट करना पड़ता है अलाउ करना सर हाँ बोलो प्रशांत सर मैं बहुत टाइम के लिए कनेक्ट हो गया था सर वो सरकम सेंटर के दो डेफिनेशंस के बाद आपने क्या क्या लिया मैंने बस ये सामने जो लिखा है ना उतना ही किया है बट लिखवाया बहुत है मैंने चलो ठीक है अगला ऑटो सेंटर अब क्या बचा मीडियन हो गया एंगल बाइसेक्टर हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया बचा क्या अपना एंगल एल्टीट्यूड बचा है तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर वॉइस ब्रेक हो रहा है सर आवाज अटक रही है सर थोड़ी बोलेगा सारे अब आ रही है बच्चों आवाज Yes, sir. ठीक है यहाँ पे ऑर्थो सेंटर देख रहे थे अपन ऑर्थो सेंटर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है अल्टीट्यूड का अल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है तो देखो इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ठीक है एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है ऑर्थो सेंटर
ऑल्टीट्यूड क्या होता है, इस वर्टेक्स से निकलते हैं अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है, इससे निकलेंगे तो अपोजिट के ऊपर परपेंडिकुलर रहेंगे, इससे निकलेंगे अपोजिट के ऊपर परपेंडिकुलर, तो ये यहां पे कहलाता है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑटो सेंटर, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच से। बंद कर दो, सही पढ़ा रहा हूं सारी चीजें, गलत कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं। सर हर एक ट्रायंगल के पास और तो सेंटर नहीं होगा ना सर? अरे हर एक का होता है बेटा, सबका होता है। पिछले बार सर आपने था कि वट नहीं होता है कि परपेंडिकुलर होगा अगले साइड मतलब ऑपोजिट साइड पर। एक तो क्या बोल रहे तुम, समझ में नहीं आ रहा, बोलो एक बार। आपने बोला था ना सर पिछले बार कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि जो वर्टेक्स से लाइन निकलती है वो ऑपोजिट साइड से परपेंडिकुलर होगी हर बार। ये कुछ कहां का कहां जोड़ रहा है तू? मैंने बोला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपोजिट वर्टेक्स से पास करे ये जरूरी नहीं है, और तू क्या बोल रहा है लाइन निकल रही है अपोजिट से पास करे जरूरी नहीं। यहाँ पे रहा करो ठीक है, दिमाग भी यहाँ पे रखा करो और सुना करो ढंग से। एक कान से गाने सुन रहा है क्या? नहीं सर। क्या बोल रहे हो सा, सुन भी रहा होगा तू तो। सर ऑनलाइन बहुत घटिया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड से पास होए जरूरी नहीं है। तू कहां का कहां रिलेट कर रहा है उसको, बहुत ज्यादा ही दिमाग दौड़ा रहा है तू, अपना गलत चीजें सोच के और मेरे को गलत बता रहा है। सर आपने बोला आने का बोला ये ठीक है, तो ये ऑटो सेंटर होता है यहां पे, ये x1 y1, ये x2 y2, यहां पे ये x3 y2। अब हमें ऑटो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, उसको करने का तरीका एक तो क्या है एम्पलीट्यूड का इक्वेशन निकाल लेंगे। ये जो AD है BC के क्या रहता है? परपेंडिकुलर रहता है, तो BC का स्लोप हम निकाल सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से y3 y2 upon x3 x2, तो BC का स्लोप निकल गया, तो उससे AD का स्लोप निकाल सकते हैं, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन परपेंडिकुलर है, तो AD का स्लोप मिल गया। अब ये AD किससे पास कर रहा है? A से, तो उसका इक्वेशन मिल गया, तो AD अल्टीट्यूड का इक्वेशन आ गया। अब उसके बाद ये जो BE है वो AC के क्या है? परपेंडिकुलर। AC का स्लोप निकाल लेंगे, BE का स्लोप आ जाएगा, वो किससे पास कर रहा है? B से, तो BE का इक्वेशन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? AD का एंड BE का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो वहां से हमें मिलेगा A। ठीक है, क्या क्या करना क्लियर है? पहले तो BC के परपेंडिकुलर लाइन है AD, तो BC का स्लोप फिर AD का स्लोप को A से पास करेगा, वहां से इक्वेशन AC का स्लोप वहां से BE का स्लोप को B से पास करेगा, वहां से BE का इक्वेशन, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके H। ठीक है, इधर सुनाई दिया ऑनलाइन? हाँ सर सब सुनाई दिया सर। ये कैसे अब इसको याद रहेगा? रहेगा सर, रहेगा कितना माइनस वन आएगा, उसके बाद स्लोप ऑफ बी एच इंटू स्लोप ऑफ ए सी
यहाँ से जो रिलेशन आएगा यहाँ से x और y के टर्म्स में एक रिलेशन दोनों को साइमल्टेनियसली क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो वहां से ये चीज बन जाएगी इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है सर आपको कितने साल लगे हमारी ट्रेनिंग भी 6 महीने चली थी उसमें हो गया सर करना क्या रहता था पढ़ता रहता था पढ़ते थे तो पढ़ाई के अंदर दिमाग रहता था पूरा घूम जैसी तरह थोड़ी है अभी देख रहे हैं थोड़ी देर बाद बाहर देख रहे बाहर दिमाग घूम रहा है पंछी उड़ रहा है कौन सा पंछी होगा वो ये जाता है ना दिमाग में बड़े जाता है क्या जाता है सर फिर उसके बाद जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा देखते जाओ उसमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में It lies inside the triangle. In acute angle triangle, ortho center lies inside the triangle. फिर उसके बाद सर राइट एंगल में ऑन द ट्रायंगल है क्या होगा सर राइट एंगल में ऑन द ट्रायंगल होगा ना ऑन द ट्रायंगल कौन सा पॉइंट होगा वो भी पता चल जाएगा ये देखो हां सर वही 90 ठीक है ए भी लाइन है तो सी से परपेंडिकुलर क्या आएगा ये बीसी सी से परपेंडिकुलर आएगा एबी के ऊपर ठीक है और ये बीसी लाइन है तो ए से परपेंडिकुलर ये एबी लाइन ही आएगी मतलब यहां पे एबी एंड बीसी क्या है दोनों एल्टीट्यूड्स है ये एबी लाइन है एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है जैसे सी का एल्टीट्यूड सी से निकलेगा एबी के परपेंडिकुलर तो ये तो वो लाइन है फिर उसके बाद ए से निकलने वाला एल्टीट्यूड बी से का परपेंडिकुलर रहता है तो ये तो एल्टीट्यूड रहेगा तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या आ रहा है बी तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में जहां पे 90 डिग्री फॉर्म होता है वही हमारा क्या होता है ऑर्थो सेक्शन होता है देखो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल Point where 90 degrees form is ortho center. Is ortho center. ठीक है? And up to center triangle के केस में क्या आ जाएगा? Outside. Outside. In outside, and up to center triangle is lies outside the triangle. सर हम ये अक्यूट एंगल ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल इसके फॉर्म में क्यों बोलते हैं स्केलिन आइसोसेलीज इनके फॉर्म में क्यों नहीं बोलते क्योंकि स्केलर ट्रायंगल तीनों हो सकता है ठीक है राइट एंगल ट्रायंगल भी स्केलर होता है ठीक है 3 4 5 होता है होता है जो बाकी में नहीं थी यहाँ पे है वो लिख लो ये एच है ये ए बी सी सर स्क्रीन को गई क्लियर है क्लियर है सर क्लियर है सर म्यूट करना पड़ेगा तुम सब लोगों को फोर्सफुली म्यूट कर दे क्या सर कर दो सर आराम से सर
सर मैं जानबूझकर थोड़ी बोलूंगा सर, हो गई थी सर। ठीक है चलो अभी देखो कहां पे एबीसी का से ऑर्थो सेंटर क्या है। एबीसी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर एक्स। अब हमें बीएचसी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर बताना है। बीएचसी थोड़ा सोचो, ऑर्थो सेंटर मतलब एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, तो बीएचसी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर ऐसे देखो दिख नहीं रहा है, आता हो गया क्या एफ सर? सोचो एच रहेगा सर, एच गलत है सर। कौन सा ट्रायंगल बोला एक बार फिर से बताओ। बी एच सी डी पॉइंट है सर। सर डी डी ये किसका है? डी थोड़ी होगा कुछ भी कुछ भी किसका है तुम्हारा है। और इधर इधर किसी लड़की की आवाज आई थी, साक्षी भी दिखाया था तो है ना। चलो इधर देखो सोच नहीं दो, ये एच डी अल्टीट्यूड ही होगा ठीक है, मतलब ये पूरी लाइन एक अल्टीट्यूड होगी ठीक है, ये एच से निकलने वाला अल्टीट्यूड है। फिर उसके बाद ये सी एच लाइन, सी एच लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बी से कौन सा आ रहा है? बी से परपेंडिकुलर ये सी एच लाइन के ऊपर अगर हमने बी से परपेंडिकुलर डाला, ये सी एच लाइन है उसको आगे इंटेक्ट करना है, तो यही तो बी एच से परपेंडिकुलर है उसके ऊपर है ना, ये सी एच लाइन को हमने आगे एक्सटेंड किया, तो बी से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये तो परपेंडिकुलर आ रहा है वो, तो ये लाइन और ये रेड वाली लाइन जाके कहां पे मीट कर रहे हैं? ए पे। तो ये देखो ये एक अल्टीट्यूड है रेड वाला, ये ब्लू वाला भी एक अल्टीट्यूड है जो बी से निकल रहा है, ये रेड वाला किससे निकल रहा था? एच से निकल रहा था। हम ट्रायंगल बीएचसी की बात कर रहे हैं, ये एच से निकल रहा है ये बी से निकल रहा है, दोनों कहां पे जाके मीट कर रहे हैं? ए पे। तो BHC का ऑर्थो सेंटर क्या आ रहा है? ए। ऐसे ही CHA का ऑर्थो सेंटर क्या आएगा? CHA BB ये आएगा, BB AHB का क्या आएगा? C आएगा। अगर हमें तीन वर्टिसेस गिवन है ट्रायंगल पे और उसका ऑर्थो सेंटर गिवन है, तो किसी भी तीन से एक ट्रायंगल बनेगा तो चौथा उसका क्या रहेगा? ऑर्थो सेंटर। जैसे मान लो ABC से ट्रायंगल बनाया तो H उसका ऑर्थो सेंटर, BFC से ऑर्थो सेंटर बनाया तो A उसका ऑर्थो सेंटर, ट्रायंगल बनाया तो A उसका ऑर्थो सेंटर, AHC से ट्रायंगल बनाया तो B उसका ऑर्थो सेंटर, एंड AHB से ट्रायंगल बनाया तो C उसका ऑर्थो सेंटर। तो ये यहां पे ठीक है, तो यहां पे लिख लो A इज ऑर्थो सेंटर ऑफ BFC, A इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल BFC, A is ortho center of triangle BHC. फिर उसके बाद B is ortho center of triangle कौन सा? AHC. AHC. And फिर उसके बाद कौन सा है क्या? C is ortho center of AHC. C is ortho center of AHC. तो नोट करके पॉइंट लिख लेना यहाँ पे। There are three points A, B, C. Four points H. यहाँ पे H को लिख लेना ortho center. Ortho center of triangle ABC. A, B, C and H. ये चार पॉइंट्स हैं यहाँ पे, H का है, ABC को ऑर्थो सेंटर। If we from triangle by taking any three points then fourth point is the ortho center of that triangle.
Then fourth point is the ortho center of that triangle. ये चारों में से ना सर एबीसी और फॉर्म 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 ट्रायंगल बाय टेकिंग एनी थ्री पॉइंट देन फोर्थ पॉइंट इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ दैट ट्रायंगल. ठीक है, इनमें से किसी भी तीन से एक ट्रायंगल बना, चौथा उसका क्या है? ऑर्थो सेंटर है. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए. यहाँ पे आप कुछ इक्विलैटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस में जाते आता है वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे. आज के लिए इतना ही है. कल का लेक्चर इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चन सब देखने वाले वहां पे. अभी तो बस थ्योरी पार्ट हुआ है, तो ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए. ये बाहर आगे के क्वेश्चन सब कर पाएंगे. ठीक है, जरा आज के लिए इतना ही है. और होमवर्क होमवर्क तो कुछ नहीं होगा, तुम वही करके रखो. बाइनोमियल पीएनसी जो भी बाकी है वो कंप्लीट करके रखना और डिस्कस करूंगा मैं. बाय सर. बाय 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 सर. ऐसा बोलते हैं सर. समर्थ.